हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें और हम आप तक रोज नई नई खबरें पहुंचा सके। तो हम अक्सर अपने बॉलीवुड स्टार्स पर नाज करते रहते हैं, खासकर उन पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से कई फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो असल में भारतीय नहीं हैं, यानी वो विदेश में पैदा हुए हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे फिल्म स्टार्स के बारे में। नंबर एक, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण कहने को तो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है और इंडियन है, लेकिन असल में उनका जन्म डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ। दीपिका की फैमिली तब बेंगलोर शिफ्ट हुई जब दीपिका 1 साल की थी और तभी से दीपिका यहाँ रह रही है। मॉडलिंग से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली दीपिका आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना नाम है। नंबर दो, कैटरीना कैफ। दीपिका पादुकोण की तरह ही कैटरीना कैफ भी भारत में पैदा नहीं हुई। कैटरीना आज बॉलीवुड में नाम कमा रही है, लेकिन असल में वो एक ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस है। उनका असली नाम कैटरीना ट्रकोट है और लगभग 1 दशक से वो बॉलीवुड में सक्रिय है। हिंदी भाषा न आने की वजह से शुरुआत में कैटरीना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो इसमें काफी निपुण हो गई है। नंबर तीन, जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन असल में श्रीलंका की रहने वाली है और वह वहीं पैदा हुई थी, लेकिन आज बॉलीवुड में वो खूब नाम और शोहरत कमा रही है। नंबर चार, आलिया भट्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आलिया भट्ट भी ब्रिटिश बॉर्न है। उनकी माँ सोनी राजदान कश्मीरी और जर्मन है, जबकि पिता महेश भट्ट गुजराती हैं। नंबर पाँच, नरगिस फाकरी। दोस्तों, रॉक स्टार, मद्रास कैफे और फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस नरगिस फाकरी भी असल में भारतीय नहीं बल्कि अमेरिकन एक्ट्रेस है। नरगिस के पिता पाकिस्तान से थे, लेकिन काम की तलाश में वो यूनाइटेड स्टेट जाकर बस गए और वहीं नरगिस का जन्म हुआ।